हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर लॉक कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी थर्ड ऐप का यूज़ करके ही। दो तरीकों से आप व्हाट्सएप के ऊपर लॉक लगा सकते हैं जो बहुत ही कमाल के तरीके हैं। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने व्हाट्सएप के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की, एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले व्हाट्सएप के अंदर जाना है और इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अब इसमें, जिससे आप अपने व्हाट्सएप के अंदर लॉक लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है, उसके लिए आपको ये ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रही होंगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये सबसे पहले जो अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन जो ये प्राइवेसी का है, इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट लॉक, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसे जब इनेबल कर देंगे, मतलब इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो जब भी आप व्हाट्सएप में लॉगिन करना होगा, आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा, तो आपको ये फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा आपके व्हाट्सएप के अंदर और इसे अनलॉक करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। तो ये तो है पहला तरीका, पर ये ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल्स में ये फीचर नहीं है। तो अब जो मैं दूसरा मेथड आपको बताऊँगा वो आपके हर तरह के एंड्रॉयड फ़ोन में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसे बैक कर देते हैं, दूसरे तरीके पे चलते हैं और बैक कर देते हैं, ठीक है। और बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आके हमें अकाउंट के अंदर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नई स्क्रीन आई है जिसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसे एनेबल करेंगे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को, तो जब भी आप इस फ़ोन नंबर को व्हाट्सएप में दोबारा से रजिस्टर करेंगे तो आपको एक पिन मांगेगा ये आपसे, तभी इसमें रजिस्टर कर पाएंगे आप। और वो पिन मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इनेबल का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ गई और यहाँ से आपको बोल रहा है ये कि 6 डिजिट का कोई भी पिन बना लो यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से अपना पिन बना लें, तो मैं जल्दी से अपना एक पिन बना लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी तो कंफर्म योर पिन, दोबारा अपने उस पिन को डाल देना है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि अगर आप अपनी पिन भूल जाएं तो उसे रीसेट करने के लिए आप कोई अपनी अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक कोई भी एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल डालने के बाद ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो गया है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से कन्फर्म करने के लिए बोलेगा ईमेल एड्रेस, तो दोबारा से वही ईमेल आईडी डाल देनी है, मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से ये हाईलाइट हो गया सेव का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो इनेबल हो चुका है और यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपको डिसेबल करना है तो इस डिसेबल वाले पे क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पिन भी चेंज कर सकते हैं आप, अपनी ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो बैक आ जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सामने व्हाट्सएप के अंदर लॉक लग गया है। ये हमसे पिन मांग रहा है, जब तक हम ये पिन नहीं डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप में अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर लॉक लगा सकते हैं। आपको दो तरीके बताए हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लॉक लगा सकते हैं, पहला फिंगरप्रिंट और दूसरा है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। तो आपके फ़ोन में जौन सी फीचर अगर फिंगरप्रिंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई माइंड में क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।